नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। पांच की आंख देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। मेगा एग्जिट पोल आया, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मौसम में बदलाव की भी खबर आ गई। बहरहाल खबरों के सिलसिले को बढ़ाएंगे। न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल में इस बार बीजेपी 6 राज्यों में क्लीन स्वीप करती दिखाई दे रही है, तो 4 राज्यों में एनडीए को नुकसान भी होता नजर आ रहा है। ये सरकार 400 पार। लोकसभा चुनाव के न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल में एनडीए शानदार प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। इस बार बीजेपी 6 राज्यों में क्लीन स्वीप करती दिखाई दे रही है, तो 4 राज्यों में एनडीए को नुकसान भी होता नजर आ रहा है। सबसे पहले बात उन राज्यों की जहां बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। देश की राजधानी दिल्ली में पिछली बार की तरह इस बार भी बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। यहां बीजेपी को कुल 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन का सूपड़ा साफ हो सकता है। वहीं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी को दोनों सूबों की सभी 9 सीटें मिल सकती हैं। जबकि कांग्रेस 1 सीट के लिए भी तरसती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में तो बीजेपी क्लीन स्वीप की हैट्रिक लगाती नजर आ रही है। यहां सूबे की सभी 26 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी की झोली में सभी 29 सीटें डाल सकती है। यहां बीजेपी को 26 से 29 सीटें मिलती दिख रही हैं। पिछली बार छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस ने किसी तरह बचा ली थी, इस बार वो सीट भी बचाना कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। यहां बीजेपी 9 से 11 सीटें हासिल करती नजर आ रही है। एनडीए सरकार 400 पार। क्लीन स्वीप स्टेट वाले आंकड़े देखकर बीजेपी की बांछें खिल सकती हैं, तो वहीं अब जिन आंकड़ों की हम बात करने जा रहे हैं उन्हें देखकर एनडीए को थोड़ी निराशा हो सकती है, क्योंकि ये वो राज्य हैं जहां न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल में एनडीए को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। राजस्थान में बीजेपी ने पिछली बार यानी 2019 में क्लीन स्वीप करते हुए 25 सीटें हासिल की थीं। वहीं इस बार एनडीए को 2 से 7 सीटों का झटका लग सकता है। इस बार सत्ताधारी एनडीए को 18 से 23 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं बिहार में एनडीए को और बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। पिछली बार 2019 में एनडीए ने यहां की 40 सीटों में से 39 सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन इस बार एनडीए को 5 से 8 सीटों का नुकसान हो सकता है। हरियाणा जैसे सूबे में जहां एनडीए ने पिछली बार क्लीन स्वीप किया था, वहां इस बार बीजेपी को 3 से 5 सीटों का नुकसान होता नजर आ रहा है। बीजेपी को हरियाणा में इस बार 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं। उत्तर भारत के अलावा दक्षिण भारत में भी एनडीए को झटका लगता दिखाई दे रहा है। कर्नाटक में एनडीए ने जहां पिछली बार 25 सीटें जीती थी, वहीं इस बार 18 से 22 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर बात ये कि न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल में एनडीए रिकॉर्ड जीत दर्ज करता नजर आ रहा है, लेकिन जहां जहां बीजेपी को नुकसान हो रहा है वहां बीजेपी को फिर से होमवर्क करना होगा। और इधर आम आदमी पार्टी के विधायक और लोकसभा प्रत्याशी सोमनाथ भारती ने ये दावा कर चुनावी माहौल को दिलचस्प बना दिया है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। सोमनाथ भारती ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बने तो वो सिर मुंडवा लेंगे। इस पर बीजेपी उनका सिर मुंडवाने के लिए मदद भेजने में जुट गई है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले आए तमाम एग्जिट पोल में एनडीए रिकॉर्ड सीटें जीतती नजर आ रही है, फिर भी विपक्षी नेताओं ने आंख बंद कर एग्जिट पोल के रुझानों को नकारना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी के विधायक और नई दिल्ली सीट से प्रत्याशी सोमनाथ भारती ने तो यहां तक दावा कर दिया कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। सोशल साइट एक्स पर उन्होंने लिखा, अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो मैं अपना सिर मुड़वा लूंगा। मेरे शब्दों को लिखकर रख लो, 4 जून को सभी एग्जिट पोल गलत साबित होंगे और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे।
दिल्ली में सभी 7 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलेगी। सोमनाथ भारती के इस दावे पर बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया आने में देर नहीं लगी। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि नाई उनके घर के बाहर ही बैठा है, सोमनाथ भारती जब कहे तब भेज दो। मेरा बाल काटने के लिए मेरा नाई बाहर बैठा है, सोमनाथ भारती के लिए भेज देता हूँ, कटवाने की जरूरत पड़ेगी, मुझे फड़नर का अच्छा नाई भेजूंगा उनके लिए। वहीं बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा ने संजीव बालियान से भी 2 कदम आगे बढ़ते हुए सोशल साइट एक्स पर लिखा कि मेरे प्रिय मित्र सोमनाथ भारती का कहना है कि अगर मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने तो अपना सिर मुड़वा लेंगे। मैं इस महान कार्य में अपना योगदान देना चाहता हूं। कृपया आवश्यक कार्रवाई करें और वीडियो अपलोड करें। अब सोमनाथ भारती और बीजेपी दोनों को 4 जून का इंतजार है, जब नतीजे आएंगे। और अगर नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए तो क्या सोमनाथ भारती अपने लिखित ऐलान पर अमल करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा।